सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। आज के लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश का एक ग्रामर कराऊंगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अ फिगर्स ऑफ स्पीच इज बेसिकली यूज टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोइट्री एंड क्रिएट अ रिदम। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोएम की खूबसूरती को और पोएम को एक रिदम देने के लिए यूज किया जाता है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स स्पीच, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बहुत सारी टाइप है, इसकी मैंने यहाँ मैक्सिमम टाइप्स कवर करने की कोशिश की है जितनी एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1 है सिमिली। व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली कंपेयर, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है विथ वन अनदर यूजिंग द वर्ड्स सो एज और लाइक। क्या यूज होता है इसमें? सो एज या लाइक यूज होता है कंपेयर करते वक्त, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं सिमिली। एग्जाम्पल है, शी इज एज स्वीट एज अ शुगर कैंडी। वो उतनी स्वीट है जितनी की एक शुगर कैंडी होता है। यहाँ पे शी को स्वीट शुगर कैंडी की तरह बोला गया है और वर्ड यूज किया है एज, और इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। अगला एग्जाम्पल है, शी इज लाइक अ रोज अमंग द थ्रोन, मतलब के कांटों के बीच वो एक गुलाब की तरह है। तो यहाँ पे शी को जो है वो गुलाब बोला जा रहा है और वर्ड यूज किया जा रहा है लाइक, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। नेक्स्ट इज, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जा रहा है और वर्ड यूज हो रहा है लाइक, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली है। सिमिली की तरह ही मेटाफर होता है। मेटाफर में भी 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को इनडायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। यहाँ डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है, और इसके अंदर सो एज या लाइक ऐसा कोई भी वर्ड इसमें यूज नहीं होता। एज फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ रोज अमंग द थ्रोन। देखिए यहाँ पे बोला था शी इज लाइक अ रोज, और यहाँ पे कह रहा है शी इज अ रोज अमंग द थ्रोन, इसलिए ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। यहाँ कहा गया था कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए ये मेटाफर है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, कॉन्सोनेंट की आवाज रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट यानी क्या? अल्फाबेट्स में ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है, इनको छोड़कर कोई भी और अल्फाबेट बार बार अगर किसी सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो वो जो है एलिट्रेशन होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पे एसएस की आवाज बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट में है, लिटिल पाइपर पाइप्ड हिज पाइप, तो यहाँ पे पी की आवाज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन में अल्फाबेट रिपीट होता है और रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन देन द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। एज फॉर एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल ये पूरा वर्ड रिपीट हुआ, इसलिए ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, तो यहाँ पे वाटर वाटर जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। नंबर 5 पे है, व्हेन वन कैन फील द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द साउंड देन द गिवन फिगर ऑफ स्पीच ए इज ऑनोमेटोपिया। मतलब ये कि जब आपको किसी सेंटेंस के अंदर किसी की, ऑब्जेक्ट की या जानवर की आवाज कैसी होती है वो आवाज सुनाई दे तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑनोमेटोपिया। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, द डॉग्स वर बार्किंग ऑन एन एम्प्टी स्ट्रीट, तो यहाँ देखो बार्किंग लिखा है, यानी ये बार्किंग जो है ये डॉग की आवाज है, आवाज यूज किया इसलिए ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट है, द ओपन डोर शट्स विद अ बैंग, खुला दरवाजा बैंग की आवाज से बंद हुआ, तो ये दरवाजे की आवाज है बैंग, इसलिए ये ऑनोमेटोपिया है। नेक्स्ट है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है? अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स आर यूज, यानी अपोजिट यूज होते हैं। जैसे देखिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्डन वर्ड यूज हुआ, इसलिए ये एंटीथेसिस है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो यहाँ यूनाइटेड का अपोजिट डिवाइडेड, स्टैंड का अपोजिट फॉल, तो अपोजिट यूज हुआ, इसलिए एंटीथेसिस। नेक्स्ट है, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या होता है? कंसिस्ट इन द यूज ऑफ मोर देन वन वर्ड और फ्रेज सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर इन सेंस, यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एंटीथेसिस में एंटोनियम यानी अपोजिट यूज होता है, टॉटोलॉजी में सिनोनियम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल, आई हैव सीन इट विथ माई ओन आइज, तो यहाँ पे माई और ओन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए ये टॉटोलॉजी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ही इज क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड वॉर्न आउट। तो ये एग्जॉस्टेड और वॉर्न आउट ये दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, इसलिए ये टॉटोलॉजी है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, एकदम सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। व्हेन अ नॉन लिविंग इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी, मतलब इंसान के अलावा इंसान की क्वालिटी किसी को भी दे दिया नॉन लिविंग को, तो वो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, द थर्स्टी अर्थ सोक्स अप द रेन, प्यासी जमीन ने पूरी बारिश को सोख लिया। तो यहाँ पे जो थर्स्टी होना है, ये थर्स्टी जो है वो इंसान की खासियत है, इंसान की फीचर है, वो क्वालिटी जो है इंसान की है, वो किसको दे दिया है, जमीन को, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है कम लिटिल लीव्स सेट द विंड वन डे, मतलब पत्तों को कहा जा रहा है कि आइए, ठीक है, तो आना जो है वो इंसान की क्वालिटी है और वो किसको दे दिया है, लीव्स को, इसलिए जो है वो एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, आना अगर हम नहीं कंसिडर करेंगे तो विंड्स जो है वो सैड, बोल रही है, तो ये बोलना भी इंसान की क्वालिटी है, हवाएं नहीं बोलती है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट इज हाइपरबोली, बहुत सारे लोग हाइपरबोले, हाइपरबोल भी पढ़ते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हाइपरबोली कहते हैं। व्हेन एन ओवर एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट इज मेड देन द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोली। सिंपल वर्ड में जब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें झूठ हो, सिंपल वर्ड में झूठ हो या बात को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट, बड़ा चढ़ा दिया हो, तो वो हाइपरबोली है। जैसे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक झलक में मैंने 10,000 लोगों को देख लिया, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोली गई बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हाइपरबोली है। नेक्स्ट है शी फिल्ड बकेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं से टब भर दिए। रियलिटी में तो आंसू से शायद चम्मच भी नहीं भर सकते हम, लेकिन खैर यहाँ पे लिखा है कि बकेट ऑफ टीयर्स जो है वो आंसुओं से भर दिए गए हैं, तो ये हाइपरबोली हो गया। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, व्हेन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर चेंज टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट्स, यानी कि पोएम के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए सेंटेंस के ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे कि द बॉय आई सॉ, एक्चुअल सेंटेंस होगा आई सॉ द बॉय, बट हम कह रहे हैं यहाँ पे द बॉय आई सॉ। देखिए वैसे ऊपर भी एक था 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि इसमें एग्जैगरेशन है इसलिए मैंने इसको हाइपरबोली में रखा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे नंबर 11 पे है, यहाँ एक एग्जांपल और है, मच हैव आई ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड मच ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है मच हैव आई ट्रैवल्ड, इसलिए ये एग्जांपल है इन्वर्जन का। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेक्स, व्हेन द आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस देन द फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमेक्स, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, जो सेंटेंस आपको पूछा जाएगा उसके बीच में कॉमा कॉमा से वर्ड्स को सेपरेट किया जाता है, तो अगर ये वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो क्लाइमेक्स है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो एंटी क्लाइमेक्स। असेंडिंग मतलब क्या, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद डिसेंडिंग में क्या हो रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है वी ड्रीम अलोन, वी सफर अलोन, वी डाई अलोन, पहले सपना देखेंगे, फिर तकलीफ होगी, फिर मर जाएंगे, तो ये छोटे से बड़े की तरफ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और एंटी क्लाइमेक्स जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इन अ वॉर सैम लॉस्ट हिज फादर, हिज मदर, हिज लाइफ एंड हिज पेन। तो इसको एक्चुअली उल्टा पढ़ सकते हैं हम, पेन गई, उसकी जान गई, उसकी माँ मरी, उसके पिताजी मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल हुआ एंटी क्लाइमेक्स का। देन है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन नाम से ही हमें पता चलता है क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसका आसान पहचान ये है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वेयर नो आंसर इज एक्सपेक्टेड बाय द स्पीकर एज द आंसर इज ऑब्वियस, दिस इज अ रिहेटोरिकल क्वेश्चन वेयर द एंक्वायरर नोज व्हाट आंसर ही विल गेट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम किसी से पूछते खाना खाए, तो हमें पता है कि वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, तो ये भी इंटरोगेशन का एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ लिखा है बट वाई शुड वी केयर अबाउट द ओपिनियन ऑफ मैनी, तो क्वेश्चन मार्क दिया है इसलिए ये इंटरोगेशन का एग्जाम्पल है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, और इनका आंसर हमें एक्सपेक्टेड होता, इसका आंसर हमें नहीं चाहिए होता, ऑब्वियस आंसर होता है इसका। देन है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन की भी पहचान ये है कि इसके अंदर आपको एक्सक्लामेशन मार्क देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है The figure of speech consists of the sudden expression or of an emotion or wish. कोई emotion या कोई wish का आपको sudden expression देखने मिलेगा। वैसे exclamation होता ही है कि sudden emotion होता है हमारा, इसके अंदर दिखता है, तो इसलिए इसको exclamation कहते हैं। यहाँ पे exclamation mark से ख़त्म होता है। Example है what a piece of work man is. हाउ लकी द बॉय वॉज, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन का एग्जाम्पल है। पैराडॉक्स में क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। इट इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब ये कि इसमें बोला कुछ जाता है, मीनिंग कुछ और होता है, या यूं कह लो सिंपल वर्ड में कि सेंटेंस आपस में मैच नहीं खाते, आपस में ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। जैसे एग्जांपल, फिलोसोफर्स आर फूल्स, फिलोसोफर पागल होते हैं। हकीकत में फिलोसोफर तो सबसे होशियार होते हैं बिकॉज वो हमें फिलोसफीज देते हैं डिफरेंट, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है फिलोसोफर्स आर फूल्स, इसलिए पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल भी है, इंडिया द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इनहेबिटेड बाय द पुअरेस्ट पीपल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो रिचेस्ट कंट्री है वो पुअरेस्ट पीपल से क्या हो, इनहेबिट हो, वहाँ पे गरीब लोग रहते हो। तो अगर गरीब रहते हैं तो गरीब कंट्री होगी, अमीर रहते तो अमीर कंट्री होगी। तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसलिए ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 15 फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और भी कई सारे लेक्चर्स मेरे ग्रामर पे आएंगे।